प्रश्न पुछता है। आपां नूं अजकल इन्नियां सुखमनी साहब सेवा सोसाइटी, सुखमनी साहब एक पंक्ति एक जना बोलता है, दूजा दूजी टका टक टका टक टका टक पंक्तियां भोग पै गया या दान हो गया देवता पाठ हो गया। पर महाराज गुरु अमरदास जी कहते हैं हर हर नित्य करे रसना कहया कछु न जाने। रसना रोज सब्जी कहती है पर जानती नहीं मैं की बोलिया। ओही बंदा सवेरे नितनेम करता जिहड़ा ओही थां थां बड़े दुखी आ न्याणे आखे दा दर्द नितनेम भी करके आया नाल सुखमनी साहब का पाठ करके भी आया पर फिर भी कहता बड़ा दुखी। सवेरे वह प्रॉब्लम का हल किया गया सी, नितनेम दे विच प्रॉब्लम हल की सी तुहाडी। और यह भी कहा सी उहदा पंक्तियां नूं रोज जपजी साहब का एक पाठ करके ही कम नहीं मुक जाता तो नितनेम विच कर लिया नितनेम नूं कालीच कर लिया मन ने पर दोबारा हौली हौली पाठ तो एक पौड़ी ही लै के उन्हें किन्नी बार सोचो विचारो हुक्मी होवन आकार हुक्म ना कहया जाई हुक्मी होवन जी हुक्म मिलै वडियाई। बे वडियाई भी हुक्म विच मिलती है हुक्मी उत्तम नीच उत्तम बंदा नीच ते नीच उत्तम दोनों हुक्म जी बनते हैं। हुक्म देख कर दुख सुख पाइया है सवेरे किया तेन भी हुक्म दे विच दुख ते सुख वाहेगुरु दे हुक्म विच है। एक गल याद रखो जदों तक शरीर है उदों तक दुख सुख ना रहूगा तुहाडे। जे आपां इह कहीए भी दुख सुख अवतारां नूं नहीं आया गुरुआं नूं नहीं आया पीरां पैगंबरां नूं नहीं आया दुख सुख सब नूं शरीर जी ने धारिया उन्होंने उस कानून में चलना पैना। महाराज छेवें पातशाह का पावन स्थान है सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह शरीर से कष्ट आया गुरां के शरीर से भी वह चीज आती रही उन्होंने उस चीज़ को भाणे के अंदर रह के हुक्म लिख दुख सुख पाई है भावें उन्होंने आ नहीं सकता और उन्होंने संसार में रह के उस चीज़ को दिखाया भी है दुख ते सुख सारे तुहाडे शरीर के नाल ही ने। इतना हुक्मी बख्शीश एक हुक्मी सदा भवाई है एक ना दे उत्ते हुक्म दे विच ही बख्शिश हो जाती है एक हुक्म दे विच ही भवाए जाते 84 लाख गुण विच हुक्म है अंदर सब को बाहर हुक्म ना को नाम हुक्म है जे बुझै तहां मैं कहै विचार जो गल है कि महाराज कहते हुक्म रजाई चलना नाम लिखिया नाल ये सारे दे मत्थे दे उत्ते हुक्म नाल ही लिखिया होया उस चीज़ नूं मन्नन दी लोड़ हुंदी है। इस गल दे उत्ते मन नूं टका के रखो अपने आप नूं एकाग्र करके रखो सैटिस्फैक्शन रखो जो मेरे मस्तक चल गया उन्होंने उस तरह ही भोगना पैदा खुश हो के भोग लो क्योंकि जो मैं किया सो मैं पाया दोष ना बीजा अगर जना आप सारे जने दुख आता तो रोन लग जाते हैं। ये सिक्खी नूं सीखना पैदा सिक्खी नूं सीखना पैना आप गुरु अर्जन देव महाराज में सारिया ताकत हाजिर ने मौजूद ने तत्ती दवी के उत्ते बैठना पर नाले कहना तेरा किया मीठा लग है और नाल की मंगया हर नाम पदार्थ नानक मंग है। ये तुसीं जे रब नूं कहो मैनूं कदे दुख ना आवे नहीं दुख तो आना ही है ये पक्का लिख लो भी दुख तो आपको मिलना ही मिलना है तुसी गलत मंग रहे हो। तुसी ये मंगो भी हे महाराज मैनू वो दुख झलण का बल दे बस मैं ये गल्लां तुहानू किताबां च नहीं मिलनगियां ये
महापुरशां दीआं जो संगतां करदे आ बचपन तो लैके एक एक चीज दे उत्ते एनालिसिस करदे वी की मंगना कोई महापुरख अरदास करदे ने बंदगी आ बहुत ज्यादा बंदगी वाला भी महापुरख अरदास करता परमात्मा कहिंदे ने मांग कुछ मंग लै तुसी गृहस्थी बंदे हो आप सारे बैठे हैं दुनिया दे विच करोड़ सिख इकट्ठा कर लो 2 करोड़ सिख इकट्ठा कर लो बंदगी वाले भी इकट्ठे कर लो किसी को भी गुरु साहब कहन मंग आप कह सुख शांति रहे कदे दुख ना आवे पैसे की कमी ना आवे मान आवे मान आवे ये मैं अपना आप परमात्मा ने कहा ए होना चाहिए वो कहते इस तेरी राय आ मेरी राय की तो सुनी नहीं असल विच कोई एक महापुरख ये हम हाई लैवल से गल आ गई तुसी ये गल नहीं मंग सकते कोई एक महापुरख की मंगता परमात्मा पुछता तेन की चाहिए कहना जी दुख दे दो होर तुसी ये सोच के हैरान होवोगे कोई दुख मंगता अगर दुख दे दो परमात्मा कहता तू सारी दुनिया सुख मंगती है तू दुख मंगी जाता कहना जी एक चीज होर मंगनी है वो कि दुख नू चलन का बल भी दे मैं ये देखना चाहता मैं दुख किन्ना सहार सकता वो अपने गुरसिखा ने किया देगे च उबड़े सुखमनी साहब का पाठ किया शीस ते आरा चलिया कदे मैं सोच तुसी अनुभव करो सिर नंगा करके कदे आरे दे दंदे अपने सिर ते रखे होण जीता नहीं करदा वी फेरे च जान निकलदी है बड़ा झुंझनी जी आउंदी वी औखा पर उह मंगिया रूह नाल लपेट के तेल पा के भाई सती राम नूं साड़िया भाई मनी सिंह किन्नी कुर्बानी बंद बंद कर सुखमनी साहब का पाठ कर जलाद घुट के उत्ते मार लग गया कहते हो जमदूता तेनों की हुक्म होया कहते बंद बंद कहते इतने थोड़ी बंद आ बंद उंगलों दे एक दो तीन फिर आ उंगल बढ़ जिहड़ा दुश्मन वो देखता नहीं कमाल की गल बंद बंद कटा रहा वो ने पूर्ण पुरख ब्रह्म ज्ञानी जेड़े बंद बंद कटवा के फिर नाल पाठ करके फिर सहारना भी जानते कितनी बड़ी गल है वो टुकड़े कर करके एक टोकरे च पाई जा रहे वो सुखमनी साहब का पाठ नहीं जाते हैं फिर टुकड़िया भी पाठ की आवाज आती इस करके बंदा सिंह बहादुर जी ने उन्होंने जी शहादत है बहुत ज्यादा जमूर नाल मास बैठे एक जो सिख है वो दुख न सहारन का बल मंगता आप जो भी दुख आया किसी को छोटा जा भी आप गुरद्वारा साहब को भजे ही जाए मारते हुए मारते महाराज ये दुख क्यों दिता तू मैं ये दुख मैनू क्यों आया महाराज एक बंदे ने परमेश्वर को कहा कि जो मैं अरदास करना तुम मैं तुरंत ही वो फल दो बख्शिश करो तुम छेती दया करो परमात्मा कहते हो तो मैं तेन दे दूंगा पर जब तू पाप करता वो फल भी नालों नाल दे दिया कर कहने जी वो तो भावें लेट दे वो तो कोई भी 100 जन्म दे जाके ये जरा मैं छेती दे दिया कर अपनी फितरत माड़ा जहा दुख आ गया ये भी विचार ना क्यों आया
ये क्यों आया? कोई गलती तो साढ़े को भी बड़ी संगत आती जाते रहे, दुख आया, कोई फॉल्ट देखते हैं कि तेरे अंदर पांच बाणिया नितने ओ फिर निकले वो गल नहीं आ नितने भी नहीं किया ये क्रेता ओ भाजी हो गई जी माड़े जी। हम देखो ना एक बंदा आया मेरे ना वडेरा बाबा नाम सिंह आए तो दो नौजवानों नाल दाढ़ी कट्टी सन्ना दी कह रहा जी ये नौजवान मिलना आए मैं हाँ जी बड़े दुखी कृपा करो मैं फिर कनैक्शन तो कट्टी फिर जी दाढ़ी है केस है ये कनैक्शन हूँ थोड़े घर में जो बिजली तार आँदी कट दो ना फिर कनैक्शन तो खत्म हो गया हूँ। मैं जो कथा कर गया गुरदासपुर वाले उत्थे गया सी वो बंदा फिर लिया कहना बाबा जी कनैक्शन जोड़ ले जी सोहनिया दाड़ियाँ आ गई सोहने सिर पर मैं क्या भाई ठीक है कनैक्शन की केसा की गल है जी एंटीना क्या टीवी का एक केसा तो ही कार्ड क्ढ़ी गई है जी पावर है इस सिर को क्यों ढक के रखा जाता है जेडे केसा में पावर है ये इस करके दस्तार सजाई गई है इस करके सिर ढकन कहा महाराज जी हम कहते हम भाई नहीं मानदियाँ बीबिया हम की करिए घट्टो घट भी ना तो इतने कपड़ा जरूर बन के ढक के रखो तो थोड़ी पावर सेव रहेगी ये बड़ी पावर होंगी केसा के इस करके महाराज ने यह बख्शिश की आपको रोमां की बेअदबी तो रोकया गया है क्योंकि जे कोई बिल्कुल ही अजकल जिवें वाल जड़े ने रोम ने वो जा के बिल्कुल साफ ही करा तो फिर वो कहे जी गुरमुख रोम रोम हर ते आवे जो रोम है ही कोई तो फिर केड़ा रोम तेरा वाहेगुरू कहूंगा भाई। इस करके महाराज सच्चे पातशाह आपां नूं कहिंदे ने सारिआं नूं देखो मैं ये चाहना भी बेशक मैं कदे दोबारा फिर अपना प्रोग्राम बने वक्री गल है पर मैं ये चाहना कि तुसी अज ही ठीक होके जाओ अज ही वो गल फॉलो करो अज ही समझ के चल पाओ ता ही वधिया गल है। वो मन्ने की गत कही ना जाए मन्नन दी गल अज ही मन्नी है आपां ने हुण कथा करदे मेरी उम्र लंघ गई मैनू बड़ा होंगे भी मैं हम कही जावा करी करते करते दर्ज भी नहीं है मेरे सच्ची गल मेरे 2004 मेरे मन च यह गल आ गई सी कि पटियाले मैं कथा करते 17 साल हो मैं कह सारे रोज आते 7-7 हज़ार बंदा 5-5 हज़ार बंदा कथा गुरद्वारा दुख निवारण साहब बहुत वड्डी स्टेज है 1987 तो लैके 2004 तक दास ने पटियाले पटियाले च कथा की मेरे मन चाहिए ये बंदे बस सुन जाते ने करते करते कुछ भी नहीं है खड़े उत्थे ही ने मैं कह महाराज को बेनती की मैं महाराज थोड़े तो लागे बह के मैनू बोल बोल शर्म आई जाती है ये तो कुछ भी नहीं करते हैं ये तो उही कुकड़ मुर्गे खाई चले जाते हैं आंडे खाई जाते शराबा पी जाते ये तो जी बड़ी वधिया कथा बड़ी वधिया करके तुर जा कोई टीवी सीरियल थोड़ी चलता मेरा ही मन चल चल आप ही करते हैं इन्हों छो आप ही मन की शुरू कर लेने और हम करिए कि वो बह नहीं देंगे है नहीं नहीं तुरे चलो आप जे आप अंदर बहने तो तुरदा ही नहीं फिर बिल्कुल ही बह जाएंगे सारे जाने इस करके वो कहने नहीं नहीं चलना नहीं चलाना है। एक पटियाले बस अड्डे पे बंदा बुजुर्ग हो गया बाप उसने नीला जहा कुर्ता पाया कूली का काम नहीं करता उस बस वाले ने एक काम तो रखे जलंधर पठानकोट इन्ना ही रौला पाता जो छोटा जहा सी 1964 तो लैके मैं उन्होंने देखता हूँ बहुत बिरध हो गया वो पूरी जिंदगी मैं एक गुरद्वारा दुख निवारण साहब कथा करके बाहर निकल वो मैं देख गया मैं कई बार पूछने को तैयार नहीं
मैं चला जी गुरुद्वारा साहब आया फतेह बुलाई, मैं कहा तू बस अड्डे जलंधर पठानकोट जलंधर पठानकोट करता रहेगा, तू कद जलंधर गया? कहना नहीं जी, इसका जलंधर पठानकोट भेजते ही हैं जाते नहीं, आप कद जलंधर नहीं गया? जब मैं ही जलंधर चला गया फिर मैं उत्थे जाके रौला पाऊंगा पटियाला पटियाला, कहना मैं एक थां ही रौला पाऊंगा बैठ के। महाराज जी कहते जब चलो जा चलाओ, चलोगे कले चलोगे चलाओगे करोड़ा में चलाओगे। कई बार मैं अक भी जाना पर हूं मैं थोड़ी थोड़ी आस बाई दी है चले है थोड़ा थोड़ा चले है लगे है कुछ गल हूँ सवा सवा लख मूल मंत्र कहा पहले तो उन्होंने बोल देंगे ये जी गिनतियां ऐ आओ मैं क्यों तुम मेरे ना जब तुम स्टेज पर आके बह जाओ फिर जब तुम मैं अगे ला तो मेरी गल सुन लो मैं थोड़ी सुन लगा चलो ये गिनतियां मैं चलना ही पैना मैं ये भी पता जहाज गिनतियां चलना है जहाज एयरपोर्ट के उत्ते बेस के उत्ते जो उड़ता है तो हाँ आसमान में जाके कोई गिनती नहीं इतों अपने शहर के उत्तों बस अड्डे को जहाज लंघ जाए जलंधर लंघ जाए थले लाल बत्ती होई होवे उड़स वाला चलान तो नहीं कट देता क्योंकि जहाज का लाल बत्ती कोई कनैक्शन नहीं एयरपोर्ट से पर लाल बत्ती होंगी उत्थे हरी भी होंगी है उत्थे पीली भी होंगी है जदों हरी होंगी है उदों जहाज फिर चढ़ता आसमान पर जदों उपर चले जाते उदों सारिया चीज़ों तो समुद्र के उपरों जहाज लग गया ये खड्डा आया से सड़क के जहाज का तो मतलब ही नहीं एक अवस्था होंगी है जदों आप पहला बैखरी बाणी नाल जाप करते हैं मूँह के नाल वाहेगुरु 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 करते हैं यही कंठ विच सौ गुणा ज्यादा होकर चलता ये दूसरी एप्लीकेशन खोली हो तुसी खोली नहीं फिर दसदा मेरी कोई नहीं खुली क्योंकि मैं दसन वाला ही हाँ फिर करता फोन फिर तीसरी खुलती है फिर बैखरी मतमा बसंती पराबाणी फिर रोमां दे विच फिर ये अगे अगे चीज बढ़ती है उधर बैठ के तुहानू अभ्यास करना पैना सारियां चीजां नू अपने फेल ना हो अगे अगे बढ़ने की कोशिश करो टिका दे नाल बाणी पढ़न का जतन करो मैं हर एक चीज नू घुमा के उत्थे लियाउणा साच कहो सुन लेहो सबह दिन प्रेम कियो दिन ही पर पाए ईमानदारी जन्म लेंदी है कितों एक जगह तो कम आउंदी है होर जगह ते यही चीज होंदी है ईमानदारी अपने हर एक काम में तुसीं ईमानदारी वरतो राजे चूड़ी न्याओ की जिवें मलक भागो ने कहा जदों उहनूं समझ लग गई कह लगे महाराज आपने कहा कि मजदूरी करनी चाहिए है मैं हूँ राजा मैं मजदूरी किमें करा गुरु नानक देव जी महाराज कह लगे राजे चुड़ी न्याओ की राजा अपनी गद्दी ते बैठ के न्या करे बस ये उहदी मजदूरी है मैंने काफ़ी ऑफिसर भी मिलते हैं हरेक महकमे के ऑफिसर मिलते हैं मैनू कह रहे भी साड़ी तो महकमा ही बड़ा गंदा असी मैं अपनी सीट पर बैठ के भला काम करो देखो दुनिया थोड़ा सत्कार भी करूंगी और कई उस लाइन पर चलने भी नहीं और महाराज की कृपा हुई है इको चीज भी वड्डी होंगी कि पैसा ही वड्डा नहीं मान आदर सत्कार वो चीज बड़ी वड्डी होंगी एक थां तो एक चीज़ नूं जन्म दो ईमानदारी नूं पहला जन्म दो अपने अंदर सच नूं जन्म दिओ सच बोलना सीखो सुखमनी साहब दे विच में आप सत किया सब सत ये जिहड़ी अस्तपदी है इहनूं ध्यान दे नाल सुनो परमेश्वर सत स्वरूप है गुरबाणी सत स्वरूप है आप सत स्वरूप बनने का यतन करो
गलत देखो एक चीज है, अज बहुत दुनिया गलत ढंग का माया कमाती है, बड़े लोगों को बड़ा पैसा है कि आप बंदा देखे उन्होंने को सुख है, बहुत माया बहुत गलत ढंग का कमा के सुख है, नहीं सुख नहीं। इस करके सुख जोड़ा है वो हमेशा ईमानदारी की माया में, जिन्हें बंद जो संपर्क च आ गए कथा सुन के सीरीज सुन के ऑफिसर भी आए कई और उन्होंने मैं रिजल्ट दिखाया, क्यों देख ला तेरे तो सीनियर ऑफिसर का मुंडा पढ़िया ना नहीं पढ़िया, क्यों नहीं पढ़िया तो रिश्वत ही बहुत लेंदा तो तेनों बिल्कुल तू लेंदा तेरा सरदा ही है ना। मैं सीनियर ऑफिसर ने अपना बेटा 20-25 लाख रुपया दे के दाखिल कराया वो फिर नहीं पढ़िया, जूनियर अफसर ने कि तो कुछ नहीं दिया मैंने पाठ किया देख कराई अरदास की महाराज साढ़े बच्चे महाराज सच्चे पातशाह के बच्चे ने बहुत तरक्की देती वो बड़ा खुश है और अच्छी पोस्ट पर हो गया। और गुरु साहब कह रहे तुम मेरे दर्शाए मार्ग के उत्ते सारे जन चलो, इस करके सरबत संगत बेनती है कि जिस पासे में आप हम तुरे हुए हैं और मार्ग भाई गलत है वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, कोई घाटा नहीं पैन लगे। एक समझदार की गल होंगी है जंगल दे विच बंदर नूं फड़ जांदे अपने भी कई क्लियर करके बंदर देखते सारे वो छोले पाउंदा उपरों दिखा दिखा शिकारी चले जाता घर चलिया गया दूर बैठ जाना उन्हें जाके बंदर ने पिछों होना पतला जहा हाथ होता बंदर का इन इकट्ठा करता सारा ही पैदा पर मुठी जो भरी वो भारी हो गई शिकारी वापस आ गया बंदर ने भी देख लिया वो आ गया फड़ूगा मैनू बंदर चीका मारता पिछों हाथ खिंचता वो हाथ नहीं निकलिया सियाण करता भी छोले चढ़ देना यह तो हाथ निकल जाना जी पर मूर्ख है वो छोलिया के लालच में फिर उसके उत्ते जाल पै गया फिर सिखाया गया फिर थां थां मदारी का तमाशा बनता फिरता एवं आपा बनता माटी को पुतला कैसे नचता है ये मिट्टी का पुतला माया पिछे वो तुम मुठ्ठी नहीं छड़ सकते बस जेड़ी चीज एक बार तुम फड़ लिया ना उन्होंने तुम छड़न को तैयार नहीं पदार्थों माया सुखों एक तो बार छड़ के देखो जे कामयाबी लैनी है हम नींद का सुख ऐसा पै गया नहीं उठा पहली एक गल जो है पुराना समा पुराने बैठे ने पुराने 50-60 साल वाले सारे बैठे तुम पता होना चाहिए कि पहला यह कुछ नहीं होता साढ़े पिंड का लाइट भी नहीं होती साड़ी नानी ने कहना पुत दिने दिने रोटी खा लो अच्छ 7 बजे प्रशादा छक लेंगे जी 8 बजे चुबारे से चढ़ के बाद तो बाद कहानी जो सुनते होने 9 बजे सौ जाना आराम न 4 बजे आके खुल जाते हूँ तो जी श्रीमान 10 बजे तक 11 तो रोटी भी खाने आप 12-1-2 बजे सौने फिर वह की फायदा ये अमृत वेले नहीं उठा जी अमृत वेले तो सौ ही रहे हो जी तुम एक करो ना सारे भी असं बई इन्ने बजे सौ जाए तो मैं एक दो परिवार देखे अपनी जिंदगी वो मी जाओ नेरी जाओ कुछ भी हो जाए उन्होंने 8 बजे फोन बंद करके सौ जाए तो 1 बजे पूरे आराम उठ जाए इस करके ये तुम उद्यम नहीं करते उस पास में क्योंकि थोड़ा प्रेम नहीं है। जे एक चीज मैं देखी है जे सुख है तो सिख नहीं जे सिख है तो फिर सुख नहीं हम तुम बह के सुखा के ना तो नींद में छड़ सकते हो ना रोटी छड़ सकते हो ना सुखा छड़ सकते हो तुम सुख कोई भी छड़ के खुश नहीं है किसी के घर गए जी माला फड़ के ना टीवी भी देख रहे अरे ये हम किस तरह करूंगा कॉम्बीनेशन यार वो भी नहीं छड़ सकता ये भी नहीं छड़ सकता मैं चल
कुछ तो बनोगे ही, चलो भाई चुप कर जाइना। आप सुख को छड़ के देखो, जदों तक तुम सुख के उदों तक तुम निकल नहीं सकते, सुख चो बाहर आओ। कोशिश करो रोड़ा दे गुर करी विछाए, उन्होंने की लोड़ सी। सतगुरु महाराज ने इन्हें दुख झले ने अपने शरीर के दसवें पातशाह महाराज ने पिंड का सराहना लाया, उन्होंने की लोड़ सी। इस करके संगतां थोड़ा जा सुख तो दूर होने की कोशिश करो, जब तक तुम सुख की मंग करी जाओगे ये सुख हम जिन्होंने ए सी ला लिया ना, यानी कि मेरे को भी लगे हुआ ए सी, पर आप विचार तो करने हो ना, ए सी एक बार लग जाए दोबारा बस फिर पखे थले बैठ जी नहीं करता, बस फिर कम गया। उसे किसी भी सुख में जो आप अगे बढ़ जाते फिर पिछे नहीं मुड़ सकते। इस कर आप सुख जब तक बहुत सुख के हम जो लगना पे पैना पड़ना, आप शरीर छड़ना पैना, संस्कार होना, दुख को कियो ना कोय, वो जो मरण वेले दुख हों, सियाने महापुरुष कहने के 70,000 बिच्छू कट्ठा डंग मारे इन्ना दर्द होंदा मौत का। इस करके आपां शरीरक सुख वधाया, आत्मक सुख नूं घटाया। शरीरक सुखां वाला बंदा सारा बैड हीरियां दा बना लो, गद्दे महंगे तो महंगे ला लो, पर बंदा सौंदा नहीं रात नूं ते तड़फदा ही रहिंदा तड़फदा ही। सगल सिख को राजा दुखिया लिखिया मारा, दुखी अंतर चिंता नैने सुखी मूलना उतरे भुख सारे दुखी। बड़े बड़े जो दिसै लोग तिनको व्यापै चिंता रोग। मैं अगे भी कई बार सुनाई कथा च, बजुर्ग अमरीका सी काफी 70 साल की उम्र, बड़ा वड्डा घर गड्डियां सारी गलबात होगी चलन लगे, कहने भी 2 मिनट लेना कल्या मारो, चलो अंदर चलते जी, बजुर्ग सियाने हैं अमृतधारी सब कुछ दसो। कहना इतने आया नूं 40 साल, 4 काके है, सैट है, बड़िया बड़ी 4 बराबरी कोठियां, महंगी तो महंगी गड्डी है, सोना भी 5-7 किलो 10 किलो पिया, साढ़े को हीरे मोती भी है, बैंकों में डालर भी बड़े पे ने, पर एक चीज लगता इन्ने साल तो 40 साल तो वो नहीं मिली कि कहता इतने शांति नहीं मिली। मैं क्या इतने की है तेन पता, इतने है हिरदा, हिरदा चक्कर इतने हूँ, इतने शांति ना तो हीरिया नाल आनी है, कंचन स्यों पाई है नहीं तो मन दे राम लिया है। इतने की शांति सिर्फ नाम ना सिमराओ, सिमर सिमर सुख पावाओ, कल कलेस तन माहे मिटावाओ, सतगुरां तो मंग लो दे देंगे, पैसा दो जी चल अज नहीं कल कल ही 2 या 10 साल माया ही माया आ जाऊगी। पर देखो मैं एक गल दसा, एक प्रमाण दे दिया पहला फिर दस, एक बंदे को गारडू मंत्र सी, वो गारडू मंत्र होता जो सप लड़ जाए उदा हो मंत्र पढ़ के जहर उतार दो। एक बार की है भादो के महीने सप बहुत निकलिया है, 25-30 बंदे सप लड़ गया, कट्ठे ही आ गए लटाते सारे, वो बंदा कहना मैं कले कले मंत्र सुनाने लग गया तो बंदे ही मर जाएंगे, जे उच्ची बोलदा तो लागे खड़े सुन जूंगे तो ना याद करके मेरा धंधा ही ठप कर देना। उन्हें ढोल बजाया उच्ची दा मंत्र पढ़िया, बंदे सारे ठीक। चक्कर तो है कि हम सारे जने गल सुन लो जिनी संगत बैठी है, असली मंत्र तो यह भी इतने खड़ के कदे भी ना माया मंगे, माया गोल बिच पाओ जी ये तो ठीक है पर पा दो पर मंगो ना, तुहानू पता नहीं है तुसी की मंग रहे, तुसी मंग रहे हो अग,
माया का मतलब एक चीज होंगी लक्ष्मी तोट ना आवे खाए खर्च रहा लक्ष्मी आ पैसे नु कहा पर माया जी होर चीज होंगी माया दे दूजी की है माया भाई मरदाना जी कहने महाराज माया तो दिखाओ अपनी शक्ति दिखाओ कही जी भी कहते माया बड़ी प्रबल है कहने कोई नहीं दिखा ने पहले इनान कर दरिया चले गए इनान कर एक मगरमच्छ ने इना मूह पाड़िया भाई मरदाना सारा ही अंदर उन्हें कित होर ही जा कढ़िया त्रेते युग के पहुंच गया बाहर निकलिया घर के कहते इस लभदे फिरते तेन तू कि चलिया गया उदा ब्याह करता कई न्याणे हो गए उत महाभारत की कथा चल रही है द्वापर की गल कर चलो परच गया काफी फिर दरिया से नहाने चलिया गया फिर मगरमच्छ ने मूह च पाया फिर आके गुरु नानक साहब के कोल खड़ता रोई जावे हाय मेरे न्याणे महाराज सच्चे पातशाह ने एक थप्पड़ मारिया सुरत जी ठीक हुई की रोंदा न्याणे न्याणे महाराज मैं तो पता नहीं कितने चले गए मेरा ब्याह भी हो गया न्याणे भी हो गए उस तो महाभारत की कथा चलती सी कहने उत्तर तेन माया ही दिखाए भी यही होंगी है कहते पिछले युग च लै गई सी तेन कहने मरदाने माया नहीं देखी थी गुरु की जे गुरसांग वरतदा सिख क्या करे सिख बेचारा फिर माया उसे कहने मैं माया दे दो वो ऐसा चक्कर पैंदा माया मंग के मुड़ के उसे विचों नहीं निकल सकते आपां तुसी स्वच्छ ते निर्मल चीज मंगो महाराज मैं सिखी बख्शो नाम नाम बस ये दो चीजा तो इलावा जो कुछ ज्यादा मंगोगे फिर सारी जिंदगी दे जाओगे मंगी जाओगे दे जाओगे मंगी जाओगे वो कहना मैनू तो तू मंगे तू तो वो जो तू मंगिया सी वो अखीरले टाइम तो हम छड के चले तुसी ये तो समझ करो कि जो मंग रहे हैं कदे जो भी इतने खड़ के तुसी मंगिया कि वो चीज नाल जानी है जिन्हू मंगिया वो तो तेरे नाल ही नहीं जानी है फिर मंगण का की फायदा इस करके संगत मंगना मंग नीका हर जस गुरते मंग मैं नहीं कहना भी सारे ने स्टेज अच तक चले जी बड़े उच्चिया चीजा ने पर देखो चलिया होया की गल है कोई सतयुग तो चलिया होया कोई अपने त्रेते च चलिया होया कोई द्वापर का चलिया होया बड़ी बड़ी दूर चले हुए ने आप हूँ शुरू होए ना पता नहीं कदों जाके आप सिरे लगना एक चीज तो है गुरबाणी की ये बख्शिश है महाराज ने बाणी लिखिया जा गत कौ जो मीसर वांछित सो गत छिनमै पाए बाणी च यह कृपा तुसी एक गल जानो मैं